रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस उनकी पत्नी अपूर्वा और दो घरेलू नौकरों को रविवार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस रोहित की हत्या के मामले में अपूर्वा को मुख्य संदिग्ध मान रही है। गौरतलब है कि रोहित की 16 अप्रैल को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रोहित के मौत की गुत्थी और उलझ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तिवारी की हत्या गला घोटे जाने के कारण सांस रुकने से हुई है, जिसके बाद रोहित के करीबियों पर पुलिस का शक गहरा गया। फिलहाल मामले को जांच के लिए क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर रोहित की वाइफ अपूर्वा को और साथ ही दो नौकरों को हिरासत में लिया गया है।